नमस्ते प्यारे बेचो आप कैसे हैं पिछले क्लास में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे इस बारिश में कवि कौन है नरेश सक्सेना इस कविता का सारांश क्या है अन्न पैदा करने वाले किसानों की स्थिति बहुत शोचनीय है आज के किसान कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं आज के किसानों की की समस्याओं में एक है पानी समस्या ആദ്യോ കി സമസ്യ സമസ്യ ജൽ കാ അഭാവ് സമാജക്ക് ഭീഷണി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം വിവേകപൂർണവും സന്തുലിതവും നിയമവിദ്ധവുമായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അമൃത തുല്യമായ ജലത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും പാഴാക്കരുത് ഭാവിയിൽ नाम भिमुखी साध्य जल दौर्लभ्य कुछ कूड़ी सूचिपना हास्य लेखन पढ़ तो बच्चो आज हम एक व्यंग्य लेख पढ़ेंगे व्यंग्य माने क्या है व्यंग्य आशेप हास्य सत्य तो हमारे व्यंग्य लेख का नाम है जल बैंक लेख है अशोक गुजराती हम पाठवाक देखें बाल्टी बाल्टी पानी लाते हुए मैंने जागी आंखों सपना देखा कि छपे छपे पर जल बैंक खुल गए हैं आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज्यादा पानी हाजिल हो गया है चिंता की कोई बात नहीं जाइए और जल बैंक में जमा कर दीजिए बाल्टी बाल्टी पानी लाते हुए मैंने जागी आंखों सपना देखा कि पर जल जल बैंक बैंक खुल गए हैं आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज्यादा पानी हो गया है चिंता की कोई बात नहीं जाइए और बैंक में जमा कर दीजिए जल സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ച് അത് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ട നമ്മൾ ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു മഴവെള്ള സംഭരണം ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം ജലം പാഴാകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും അവയുടെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇവിടെ ലേഖകൻ ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മാർഗം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഹംസരാഖേ ബാൽത്തി പാനിയില്ലാത്ത മൈനെ ജാകി ആഖവും സ്വപ്ന के चप्पे चप्पे पर जल खुल गए हैं लेखक क्या ला रहे थे बाल्टी बाल्टी पानी ला रहे थे बाल्टी क्या है बाल्टी बक्कच, लेखक क़ाहिम से बाल्टियों में पानी लेकर आ रहे थे इवड़ निन्नो बकट वेलवी वरिद्ध लेखक एंत स्वप्नमाव क लेखक ने कौन सा सपना देखा ചപ്പേ ചപ്പേൽ ചെല്ലായിടത്തും മുക്കിലും മൂലയിലും ഇൻ എവരിൻ കോണർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ ലേഖകൻ ഏത് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളാണോ जल बैंग का सपना देख रहे हैं लेखक ने जल बैंक का सपना कब देखा बाल्टियों में पानी लाते समय जागी आंखों सपना देखा लेखक उरंगे समय कंड सपन वाणो इधर नहीं लेखक ने जागी आंखों सपना देखा लेखकन कण्ण तुरंत कंड स्वप्न मानो इधर लेखक ने जागी आंखों कौन सा सपना देखा चारों ओर जल बैंक खुल गए हैं ये जल बैंक क्या होगा हम आगे देखें। आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज्यादा पानी हासिल हो गया है चिंता की कोई बात नहीं जाइए और जल बैंक में जमा कर दीजिए आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज्यादा पानी हासिल हो गया है चिंता की कोई बात नहीं जाइए और जल में जमा कर दीजिए मोहल्ला क्या है मोहल्ला तेरव स्ट्रीट वेल्लतिन कुरव वरुम्बोल लभ्यमागुन्न वेल्लम तेरुविल तामसिक्कुन्नवर परस्परम पंगु वेक्कारल्ले हासिल होना लभ्यमागुका मान ले कि आपको मोहल्ले वालों से कुछ सादा पानी हासिल हो गया है मिल गया है तो क्या करेंगे नमक आवश्यक वेल लभ्य देखिए ए क्या कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं जाइए और जेल बैंक में जमा कर दीजिए चिंता की कोई बात नहीं जाइए और जेल बैंक में जमा कर दीजिए जमा करना माने क्या है जमा करना निषेबिका टू तो डेपोजिट ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലേഖകൻ കാണുന്ന സ്വപ്നം എന്താണ് നമുക്ക് അധികമായി കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു ജലബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അധികമായി കിട്ടുന്ന പൈസ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ അധികമായി കിട്ടുന്ന വെള്ളം ജലബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ വെച്ചോ യം ഹമാരി പാഠ്യപുസ്തകക്കാ ഏക്ക് പ്രശ്നഹ് സർ അതേക്ക് चापे चापे पर जेल बैंक गए हैं की इस कल्पना के पीछे भविष्य का कौन सा है ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാകും ലേഖകന് ഇത്തരത്തിലൊരു ജലബാങ്ക് സ്വപ്നം കാണേണ്ടി വന്നത് സ്വാഭാവികമായും നിരന്തരം വെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ആലോചിക്കും चिल समय नमक जल के संरक्षण के संबंध में लेखक का सपना देखते हैं लेखक का भविष्य के लिए क्या संकेत देता है हमें पानी का उपयोग समुचित रूप से करना चाहिए पानी के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए हमें पानी का उपयोग समुचित रूप से करना चाहिए पानी के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए अब आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं ना प्रश्न एक और बार देखिए छप्पे छप्पे पर जल बैंक खुल गए हैं लेखक की इस कल्पना के पीछे भविष्य का कौन सा संगीत है प्रश्न का उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को सेरोर दिखाए, आगे का भाग देखे जेल बैंक ने कुछ लेग गन कंडा सोपनम, वाला रे विशेष धमाएँ तने तोड़ना के आपको दस बाल्टी अधिक मिल गया है, तो सुदधा के परिश्रों के उपरांत बैंक के लाकर में रिगखे एक मार बात नव बाल्टी हुआ बैंक का मालिक कि आपको दस बाल्टी अधिक मिल गया है तो शुद्धता के परीक्षणों के उपरांत बैंक के लाकर में रिख कर एक माल बात नौ बाल्टी हुआ बैंक का के उपरांत माने क्या है के उपरांत शेषम आफ्टर यदि आपको एक दिन दस बाल्टी पानी अधिक मिल गया है तो आप क्या कर सकते हैं पहले पानी की शुद्धता का परीक्षण करना है फिर उस पानी को बैंक के लाकर में रख सकते हैं दस बाल्टी पानी बैंक के लाकर में रखे तो एक महीने के बाद बैंक में कितना पानी रहेगा नौ बाल्टी निंगल का बकेट नि और दिवस कूड़ा कटिए अण उ शेषमें ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ബാങ്കിൽ ഒൻപത് ബക്കറ്റ് വെള്ളമുണ്ടാകും സാധാരണ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ പോലെ നിക്ഷേപമാണെങ്കിൽ അതിന് പലിശ ലഭിക്കും ആകെ ബാങ്ക് ജമാ യോജന दस बाल्टियों के बदले ग्यारह सौदा मांगा नहीं है बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टंकिया है वे सूद भी देते हैं सावधि जमा योजना में साल पर बाद दस बाल्टियों के बदले ग्यारह सौदा मांगा नहीं है जल बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टंकिया है इमारत का अर्थ क्या है इमारत मकान बिल्डिंग। का अर्थ क्या है टंगी पानी की टंगी वाटर टैंक। बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टांगियां होंगी इन टांगियों में पानी सुरक्षित रहेगा। साधारण गि नाम पढ़ निक्षेप नमक परिसेले भी क्या रोंडे इबड़े इम लेग गन हासिरुबेना वे सूद भी देते हैं सावधी जमा योजना में साल भर बाद दस बाल्टियों के बदले क्यार सौदा महंगा नहीं है वे सूद भी देते हैं सावधि जमा योजना में साल भर बाद दस बाल्टियों के बदले क्यार ಸೌದಾ ಮಾಂಗನ ಅಯ್ಯ ಸೂದಕ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸೂದ ಪಲಿಸಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಸಾವದಿ ಜಮ ಯೋಜನಾ ಮೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇ ಸೂದು ವಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಸಾವದಿ ಜಮ ಯೋಜನಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಾವದಿ ಜಮ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಿರನಿಷೇಪಂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಥಿರನಿಷೇಪಂ ಆನೆಗಲ್ 10 ಬಕಟ್ ವೆಳ್ಳಂ ನಿಷೇಪಿಚಾಲ್ 1 ವರ್ಷಂ ಕಳಿಯಿಬೋಲ್ 11 ಐತಿರಿಗಿ ಲೆವಿಕಂ സാവധി ജമാ യോജന മേക്ക് വർഷക്കെ ബാസ് ബാൽറ്റിയോട്ടി പാനി മത് ഇങ്ങനെ പത്ത് ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി ജലബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം പലിശയായി കിട്ടും ഈ കച്ചവടം നഷ്ടമല്ല എന്നാണ് ലേഖകൻ

वैसे भी आजकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं ये तो आम जनता है जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के वैसे भी आजकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं ये तो आम जनता है जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के आजकल का अर्थ क्या है आजकल ए डेज़ പാനിദാർ അഭിമാനീന സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം പണമുള്ളവരുടെ അഭിമാന ബോധമായിരിക്കും ഇനി ധാരാളം വെള്ളമുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് അവർ അഭിമാനിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും ലേഖക് ഇസ് കെ ബാറേ ക്യാതോ ആം ജനതാ ഹേ ജോ പാനി പാനി ഒരഹി ഹേ ബിനാ പാനിക്ക് ആം ജനതാ ഹ जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के आम जनता कौन है आम जनता साधारण जनता सामान्य जनता यदि अपने पास पर्याप्त पानी नहीं है तो साधारण जनता की स्थिति क्या होगी ये तो आम जनता है जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के आम जनता पानी, पानी 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 के बिना हो रही है है यह होना 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 माने क्या लज्जित ആവശ്യത്തിലേറെ വെള്ളമുള്ളവർ അത് ജലബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് പലിശയും വാങ്ങി അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ബച്ചോ हमारी पाठ्यपुस्तक का एक प्रश्न है जरा देखे पानी पानी होना पानीदार होना इन प्रयोगों का मतलब क्या है ये दोनों हिंदी के मुहावरे हैं मुहावरा माने क्या है मुहावरा शैली इडियम इव चिल प्रत्येक अर्थ गल यहां पिक देखिए पानी पानी होने का अर्थ क्या है लज्जित होना पानीदार होने का मतलब क्या है सो अभिमानी होना तो बच्चों आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं ना प्रश्न एक और बार देखिए पानी पानी होना पानीदार होना इन प्रयोगों का मतलब क्या है तो बच्चों अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है सर एक बार फिर देखे जल बैंग किस प्रकार का लेख है विंग लेख इसके लेखक कौन है अशोक गुजराती इस लेख के द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं हमें पानी का तो हम संरक्षण करना चाहिए नहीं तो पानी की कमी से हम भयानक संकट में पड़ सकते हैं हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए नहीं तो पानी की कमी से हम भयानक संकट में पड़ सकते हैं यह हम लेखक ने कौन सा सपना देखा लेखक ने सपना देखा कि सब कही जल बैंग खुल गएंगे लेखक स्वप्न कल्टी बाल्टी पानी लाते हुए लेखक ने जागी आंगो सपना देखा इसकी सूचना क्या है लेखक जहां रहते हैं वहां पानी की कमी है जल बैंक के संबंध में लेखक की कल्पना क्या है देखिए यदि हमें कुछ पानी अधिक मिल गया है तो जल बैंक में जमा कर सकते हैं लेखक के सपने के बैंक की विशेषता क्या है जल बैंक में लाकर की सुविधा होगी सावधि जमा योजना में सूद भी मिलेगा दस बाल्टी पानी जमा करने से एक साल बाद बैंक में कितना बाल्टी पानी रहेगा ग्यारह बाल्टी लेकर की जल बैंक की कल्पना किसकी सूचना देती है आने वाले समय में पानी का संकट और बढ़ जाएगा बच्चों पाठवा का अच्छी तरह वाचन करना अर्थ समझ कर एक वर्कशीट की पूर्ति करें देखिए अर्थ समझे सही मिलान करें छप्पा छप्पा इमारत सौधा महंका पानी पानी होना पानीदार होना मकान व्यापार स्वाभिमानी होना लज्जित होना जिसका मूल्य अधिक हो हर जगह अर्थ समझे सही मिलान करे छप्पा छप्पा इमारत सौधा महंका पानी पानी होना पानीदार होना मकान व्यापार स्वाभिमानी होना लज्जित होना जिसका मूल्य अधिक हो हर जगह बच्चों उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को जरूर दिखाए बेचो लिखने के लिए एक प्रश्न था ना क्या है चप्पे चप्पे पर जल बैग खुल गए हैं लेकिन इस कल्पना के पीछे भविष्य का कौन सा संगीत है कोई संदेह है तो अपने अध्यापकों और मित्रों से भी चर्चा करें। हम फिर मिलेंगे धन्यवाद